नमस्ते दोस्तों, उषा विलेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बढ़िया सी रेसिपी आज बनाकर दिखाएंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यह बगल में किस चीज का पेड़ है। तो दोस्तों, ये ग्वाली का पेड़ है दोस्तों, इसमें बहुत ही अच्छा से खराब हुआ है, वही हम तोड़ेंगे। तो दोस्तों, इसे हम लोग ग्वाली कहते हैं और लोग बरसिंगा कहते हैं। और ये टूटने में थोड़ा सा टाइट टूटता है, और टूटने में दोस्तों थोड़ा सा ये टूट भी जा रहा है, तो उसे हम आराम से तोड़ेंगे। तो डले एक हम रख देते हैं ज़मीन पर और दोनों हाथ से तोड़ेंगे। तो आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा ये टाइट टूटता है, तो अच्छे से इसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही घोपेदार रहता है ये, ऐसे ही तोड़ेंगे इसको हम। तोड़ने के बाद इसे डलिए में रखते जाएंगे। तो देखिए, ऊपर वाला थोड़ा सा नरम है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। ग्वाली के पेड़ दोस्तों बहुत ही बड़ा रहता है, ये आप लोग देख सकते हैं कितना लंबा ये पेड़ है। तो ग्वाली दोस्तों नीचे तरफ तोड़ा जाता है, क्योंकि ऊपर तोड़ने से थोड़ा सा जो ग्वाली है बीच में से टूट जाता है, अच्छे से नहीं निकल पाता। तो मैं नीचे तरफ से तोड़ रही हूँ। ये देखिए, जो पत्ती एक्स्ट्रा है मैं इसे निकाल दे रही हूँ। तो ज़रूरत के हिसाब से हमने तोड़ लिया, अब हम चलेंगे घर पे। तो ग्वाली के लेकर आ गई हूँ घर पे, मैं एक एक तोड़कर इसमें रेशा निकालूंगी अच्छे से। तो रेशा निकालना दोस्तों ज़रूरी होता है, रेशा रह जाएगा तो इसमें पकने के बाद बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो इसे दोनों साइड में अच्छे से निकालेंगे, निकालने के बाद इसे रखते जाएंगे इसमें। तो जो टाइट है उसमें बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं, और जो नरम है उसमें नहीं होते। तो बहुत ही अच्छे से हमें सारे रेशे निकाल कर रख लेना है। तो ग्वाली को हमने ज़रूरत के हिसाब से तोड़ लिया है, अब इसे ऐसे रहने देते हैं। अब चलिए, मैं आलू प्याज लहसुन का छिलका उतारेंगे। तो ग्वाली इतना हमारा बच गया है, इसे हम अगले दिन बनाएंगे, ऐसे ही रख देंगे। अब हम आलू का छिलका उतार लेते हैं। तो आलू का छिलका हमने उतार लिया है, अब हम प्याज का भी छिलका उतार लेते हैं। अब हम लहसुन का छिलका उतार लेते हैं। अब हम अदरक का छिलका उतारेंगे, और सब्जी और मसाले को इसमें डालकर धो लेते हैं। तो सब्जी को हमने अच्छे से धो लिया है, इस थाली में रख लेते हैं। अब हम ग्वाली को भी धो लेते हैं, एक पानी हमने धो लिया है, दोबारा पानी से अच्छे से धोएंगे। तो अच्छे से हमने धो लिया है, अब इस प्लेट में रख लेते हैं। तो अभी इस प्लेट में हम मसाले को तैयार कर लेते हैं। प्याज को हमने काट लिया है, अदरक को भी, इसमें मिर्चा रख देते हैं, और एक दो प्याज और काट लेते हैं। तो टमाटर का हम छिलका उतार लेते हैं। तो टमाटर का छिलका हमने उतार लिया है, अब बहुत छोटे छोटे हम काट लेते हैं। तो अब हम आलू को काट लेते हैं। तो आलू को हमने काट लिया है, अब हम ग्वाली को भी काटेंगे। तो दोस्तों, ग्वाली ऐसे ही भी आप रख सकते हैं, मैं काट दे रही हूँ, थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ये
तो एक में दो टुकड़ा हम कर दे रहे हैं। तो सब्जी को हमने छोटा छोटा काट लिया है, अब हम मसाले को तैयार कर लेते हैं सिलबट्टे से। तो सिलबट्टे को हमने साफ कर लिया है, अब इसी पे हम पीस लेते हैं। तो मसाले को हमने पीस लिया है, अब इस प्लेट में उठा लेते हैं। तो अब हम टमाटर को भी पीस लेते हैं, और छिलका हमने अच्छे से उतार दिया है, बहुत ही जल्दी पिसा जाएगा। तो टमाटर को भी हमने पीस लिया है, इस थाली में उठा लेते हैं। अब हम चूल्हे में आग को जला लेते हैं। आग को हमने जला लिया है, अब इस पे रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें ग्वाली और आलू को तलना है। तो पहले हम आलू को तल लेते हैं, तेल गर्म हो गया है। तो दोस्तों ग्वाली का रसादार हम बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक करते रहिएगा। आलू को हमने तल लिया है, ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक भी गया है, कट रहा है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो आलू को हमने तल लिया है, अब हम ग्वाली को भी तलेंगे। ग्वाली को हमें बहुत ज़्यादा नहीं तलना है और थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा, उसके बाद हम निकाल देंगे। तो काफ़ी नरम हो चुका है, तो थोड़ा सा इसे और पका लेते हैं। तो ग्वाली को हमने तल लिया है, इसको हम एक साइड कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा तेल है कढ़ाई में चला जाएगा, और ग्वाली को हम थाली में निकाल लेंगे। अब हम दूसरे खान को तल लेते हैं। तो थोड़ा सा ग्वाली ज़्यादा था, तो मैं दो बार में इसे तल रही हूँ। तो इसे भी हमने तल लिया है, निकाल लेते हैं थाली में। तो अब इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा चिटक गया है, चिटने लगा है, तो इसमें डाल देते हैं तेजपत्ता। तो अब हम पीसे हुए मसाले को डाल देते हैं। तो इसे हम चलाते हुए पका लेते हैं। तो मसाले को हमने भून लिया है, अब इसमें डाल देते हैं पीसे हुए टमाटर। इसे भी अच्छे से हम पकाएंगे भूनते हुए। तो मसाले को हम धीमी आंच में भून रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से इनके मसाले को भूनना है। तो इस तरफ हम जो सूखा मसाला है उसमें देखिए मैं क्या क्या निकाला हुआ है। तो मसाला हमने सूखा लिया हुआ है, इस प्लेट में धनिया लिया हुआ है, हल्दी लिया हुआ है, गरम मसाला, ये लाल मिर्च है, तीखा नहीं है। तो सभी चीज़ों को एक में मिलाकर हम पानी डालकर घोल लेते हैं। तो मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, देखिए इसमें तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें सूखे मसाले हम डाल देते हैं और इसे भी चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, ये देखिए एकदम अलग हो रहा है, कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है। तो इसमें हम आलू और ग्वाली को साथ में डालकर भूनते हैं मसाले में। तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देते हैं, जैसे मसाला जो है सब्जी में अच्छे से मिल जाए। तो थोड़ा सा हम पानी डाले हुए हैं, अब इसे अच्छे से मिला देते हैं। तो मसाले में हमने अच्छे से आलू और ग्वाली को अच्छे से भून लिया है, तो इसमें हम पानी डाल देते हैं अब। तो दोस्तों हम थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखेंगे और रसादार बना रहे हैं, पर थोड़ा सा भी पकेगा। तो सब्जी हमारी बहुत ही अच्छे से उबल रहा है, तो इसमें हम स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं। नमक डालकर कलछुल से अच्छे से चला देते हैं। तो ऐसे ही अब पकने देते हैं। तो सब्जी दोस्तों हमारा बनकर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखा हुआ है क्योंकि चावल और रोटी सब हमने बना रखा है, तो उसी के साथ हम लगाएंगे, देखिए। तो कढ़ाई को उतार के हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं। तो सब्जी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कलर भी बहुत बढ़िया आया है। और आप लोग आलू और सब्जी में देखिए बहुत ही अच्छे से मसाला दिखाई पड़ रहा है और तेल। तो आप लोगों को अच्छा लगा जरूर हमारे वीडियो को, आप लोग लाइक कर देना।
तो इस प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब तो दोस्तों आज हमने गुवाली की सब्जी बनाया है, थोड़ा सा उसमें आलू डाला है और थोड़ा सा ग्रेवी भी रखा हुआ है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक रखें, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए नमस्कार।